हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। आज मैं लेकर आई हूँ तिरंगा सैंडविच की रेसिपी। ये बिल्कुल 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखने में जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव है, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी भी। इसे बच्चे भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए तिरंगा सैंडविच को तुरंत ही बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सैंडविच बनाने के लिए यहाँ व्हाइट ब्रेड की 4 स्लाइसेस ले ली हैं। अब इसकी साइड्स को कट कर लेंगे। बाकी ब्रेड की भी साइड्स को मैंने कट कर लिया है। अब इन सभी ब्रेड्स पर बटर लगा लेंगे। बटर को पूरी ब्रेड की स्लाइस पर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो ये बटर भी लग चुका है। फिर यहाँ मैंने एक बॉइल्ड मैश किया हुआ पोटैटो ले लिया है, साथ ही किसा हुआ गाजर और ककड़ी। ककड़ी का सारा एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल लिया था। अब इन तीनों बाउल में एक एक चम्मच मेयोनीज ऐड करेंगे। मेयोनीज ऐड हो जाने पर ककड़ी वाले बाउल में 2 चम्मच ग्रीन चटनी डालेंगे, गाजर वाले बाउल में 2 चम्मच टोमेटो केचप, फिर तीनों में थोड़ा थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। आलू वाले मिक्सचर में थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे और बाकी दोनों में थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल लेंगे। तो यहाँ सभी चीज़ें डल चुकी हैं, इनको अब मिक्स कर लेना है। सबसे पहले आलू वाले मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद गाजर वाले मिक्सचर को और लास्ट में ककड़ी के मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। तिरंगा सैंडविच के तीनों कलर की स्टफिंग बनकर रेडी है। अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। जो हमने ब्रेड की स्लाइस पर बटर लगाकर रेडी किया था उस पर इसे लगा लेंगे। तो सबसे पहले ग्रीन वाली स्टफिंग को लगा लेना है, नेक्स्ट आलू वाली स्टफिंग को लगा लेंगे और लास्ट में गाजर वाली ऑरेंज स्टफिंग को लगा लेंगे। तीनों को अच्छी तरह स्प्रेड करते हुए लगाना है। जो व्हाइट वाली स्टफिंग की ब्रेड है उसे ग्रीन पर रख लेना है और ऑरेंज वाली स्लाइस को व्हाइट के ऊपर रख लेना है और लास्ट में एक प्लेन ब्रेड रखकर इसे कवर कर लेना है। तो ये तिरंगा सैंडविच बनकर तैयार है। आइए इसे कट कर लेते हैं। तो थी ना एकदम झटपट सी ये तिरंगा सैंडविच की रेसिपी, और ये देखने में भी कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। साथ ही बिना गैस जलाए ये सैंडविच बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।